अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं आसमास कुकिंग स्पॉट, आपका अपना कुकिंग चैनल। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश लेकर आए हैं, जो है पिस्ता मलाई डिज़र्ट। तो चलें जनाब, ये थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी बनाने की तैयारी कर लीजिए और सबको हैरान कर दीजिए। तो चलें देखते हैं कि ये मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी, बहुत ही ठंडी और मीठी डिज़र्ट हमने किस तरह से बनाई है। इसको बनाने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गहरे बर्तन में 3 कप दूध, 1/4 कप दूध हम साइड पे रख लेंगे और ये ठंडा होगा। इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड, मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, इसको खूब अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। चम्मच को लगातार चलाते रहना है, दूध बिल्कुल नीचे ना लगने पाए। चले जी, इसके अंदर डाल देंगे शक्कर। अब चीनी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मैंने 4 टेबलस्पून डाली है। चलिए, चीनी को हमने खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और इसी टाइम में दूध भी गर्म हो गया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं मिक्स किया हुआ कस्टर्ड और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। चलिए, सारा कस्टर्ड हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको हिलाते रहेंगे साथ साथ। ये वो टाइम है कि इसके अंदर इसमें गुठलियाँ बनने का खतरा होता है, तो आपने इसको हिलाते रहना है। तो तकरीबन कस्टर्ड को पकाते हुए 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं और देखें कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए। तो इसको आंच से हटा लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। जब तक कस्टर्ड ठंडा होता है तब तक हम ब्रेड रेडी कर लेंगे। ये देखें, मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं और इसके हमने किनारे काट लिए हैं। एक बॉल में हम लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम और इसको हम खूब अच्छे से बीट कर लेंगे और इसके अंदर स्टिफ पीक्स आनी चाहिए, यानी कि सख्त हो ये, इतना इसको बीट करना है हमने। मैंने जो कि इसकी पिस्ते के साथ डेकोरेशन करनी थी ऊपर, तो मैंने इसके साथ इसमें 3-4 ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रीन कलर के भी ऐड कर लिए हैं। इसके साथ ज़रा बड़ी फैंसी शैंसी सी लुक आ जाएगी ना इसकी, अभी आप देखेंगे। चलिए जी, एक छोटे से बॉल में हम साइड पे 3-4 चम्मच दूध के ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला के इसे मीठा कर लेंगे। लें जी, अब हमारा फाइनल काम स्टार्ट हो गया है और हमने एक ब्रेड लेनी है और इसके ऊपर हमने खूब अच्छे से ये क्रीम बनाई थी जो, उसको लगा देना है। ज़्यादा थिक थिक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर और इस तरीके से इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे। ब्रेड को हम इस तरीके से ट्रायंगल काट लेंगे और हमें एक ब्रेड से 4 ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम इनको साइड पर कर लेंगे। ये देखिए, हम दूसरा स्लाइस बना रहे हैं, इसके अंदर हम क्रीम के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता भी छिड़क लेंगे। आप नारियल भी छिड़क सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप रख सकते हैं। तो ये देखें जनाब, हमारी कितनी खूबसूरत सी ट्रायंगल्स बनी है, साइड से हमें क्रीम नज़र आ रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम इसको मज़ीद स्वीट बनाने के लिए इसके ऊपर जो हमने मीठा मिल्क तैयार किया था ना अभी, वो थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। बहुत सौगी नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे, लाइक 1 टीस्पून एक एक ट्रायंगल पर डाल देंगे। तो इतनी देर में हमारा कस्टर्ड जो है वो भी तैयार हो गया है, जैसे रसमलाई की मलाई होती है ना, उस कंसिस्टेंसी में बनाया है हमने। तो चलें अब इसके ऊपर हम सारा वो स्प्रेड कर लेंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर मिल्क लगा लिया है तो कस्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें अब्जॉर्ब भी नहीं होगा और ये गाढ़ा भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारी ट्राइंगल्स के ऊपर अपने कस्टर्ड स्प्रेड को डाल देना है या मलाई को डाल देना है। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि आपकी ब्रेड जो है वो फ्रेश होनी चाहिए और मीठी होनी चाहिए। पुरानी ब्रेड के साथ ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा और सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। तो देखिए, टैप करके हमने इसको बिल्कुल सेट कर लिया है और अब हम इस पर गार्निश करने लगे हैं। थोड़े थोड़े से कटे हुए पिस्ते बारीक इसके ऊपर डाल लेंगे। तो ये देखें, सारे हमने स्लाइसिस के ऊपर इस तरीके से थोड़े थोड़े से पिस्ते लगा लिए हैं। थोड़ा सा हमने पिस्ता जो है वो बारीक पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, वो इसके ऊपर बाकी हम छिड़क लेंगे ताकि ये बिल्कुल ही इसकी ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आ जाए। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा सा निकल रहा है और देखें नीचे ग्रीन क्रीम भी हमें नज़र आ रही है इसमें से। ये बहुत ही मज़ेदार है, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जनाब, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।